हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर चार के साथ सेट नंबर चार में जो हम लोगों का जीके का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और सेट नंबर चार का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज का है, आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड। बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन संस्था प्रस्तुत करती है? बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन संस्था प्रस्तुत करती है? तो ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा भी इंडेक्स एक जारी होता है, लेकिन वो नवाचार का इंडेक्स होता है। जबकि संपदा थोड़ा उल्टा लगता है, संपदा का जो इंडेक्स होता है वो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी होता है। और इसलिए इस पहला का आंसर हम लोग का बौद्धिक संपदा सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। वर्तमान में इस इंडेक्स में एक नंबर पर यूएसए है और 40 नंबर पर अपना देश भारत है। तो भारत का स्थान 40वां नंबर पर है जो रिसेंट जो इंडेक्स इसके द्वारा इशूड है। तो इसमें आंसर हम लोगों का, इसमें आंसर हो गया डी, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा बौद्धिक संपदा सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में भारत का स्थान उस इंडेक्स में 40वां है और यूएसए का स्थान सबसे ऊपर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जीके का ही है। निम्न में कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी, जो किसी नदी में कोई नदी अगर मिलती है तो उसको सहायक नदी कहते हैं। तो गंगा में मिलने वाली जो नदियां होंगी वो सहायक नदी होंगी, जो गंगा में सीधे आके मिलेंगी वो गंगा की सहायक नदी होंगी, जिसको इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो इसमें कौन जो है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदी नहीं है? तो आंसर हमारा होगा चंबल। चंबल गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना, सोन, गोमती, ये सब के सब गंगा की सहायक नदी है और चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यानी डायरेक्ट वो गंगा में नहीं मिलती है, गंगा की सहायक नदी यमुना में जाकर के वो मिलती है। तो ये देखिए क्वेश्चन हमेशा आता है, गंगा के बाएं से कौन मिलती है, दाएं से कौन मिलती है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो गंगा ये यमुना जो प्रयागराज में आके मिलेगी, गंगा के किधर से, तो गंगा का ये डायरेक्शन है, गंगा की ये दिशा है, गंगा तो गंगा के दाहिने से, गंगा के दाहिने से आकर के मिलने वाली हो गई यमुना, ये यमुना हो गया। और यमुना में मिलती है चंबल, चंबल और यमुना में ही आके मिलती है बेतवा, बेतवा। तो बेतवा और चंबल जो है, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदी है, जबकि यमुना गंगा की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। गंगा में मिलने वाली सोन भी है, सोन भी गंगा की सहायक नदी है, जो सोन भी गंगा में दाहिने से मिलेगी और बाएं से, जैसे गोमती हो गया, गोमती बाएं से मिलेगी, उसके बाद घग्घर भी बाएं से, गंडक भी बाएं से और फिर आपका कोसी भी बाएं से, कोसी भी बाएं से। तो गोमती, घग्घर, गंडक, कोसी, गोमती, गोमती, घग्घर, गंडक और गंडक को थोड़ा और यहां रखना चाहिए था और कोसी, ये सब गंगा के बाएं से मिलने वाली नदियां हैं और यमुना और सोन गंगा में दाहिने से मिलने वाली नदी है। तो ये आप याद रखोगे। तो यहां पर क्वेश्चन है, निम्न में कौन गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो चंबल सहायक नदी नहीं है। चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना की सहायक नदी एक बेतवा भी। सोन गंगा की सहायक नदी है और सोन और यमुना गंगा में दाहिने से, गोमती, घग्घर, गंडक, कोसी
गंगा में बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा किस देश से लगती है। यहां क्वेश्चन हमारा यह है कि किस देश से भारत के अधिक राज्यों की सीमा लगती है इनमें से। तो देखिए भाई, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगेगी। तो 5 की तो सीमा लग रही है लेकिन राज्य में 3 राज्य की सीमा, भूटान के साथ 4 राज्य की सीमा, 4 राज्य अब आप मैप में देखोगे, और नेपाल के साथ 5 राज्य की सीमा, 5 राज्यों की सीमा। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, और म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और भारत के मैप का जो हमारा बाउंड्री किसके साथ लगता है, कितने राज्य, किस किस राज्य का किसके साथ सीमा लगता है, सीमा की लंबाई किसकी कितनी है, किस देश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है और इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैप पर आपको जाना होगा और मैप को सही ढंग से देखना होगा। यहां हमारा क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा किस देश से लगती है। तो नेपाल, नेपाल के साथ जो दिया हुआ है उसमें नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगेगी, नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगेगी जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। पाकिस्तान के साथ 3 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों की सीमा लगेगी, और उसमें आप केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर, राज्य में आ जाइए तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगेगी, भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगेगी जिसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। की सीमा भूटान के साथ लगेगी। म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों की सीमा लगेगी जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, की सीमा म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम की सीमा, भूटान के साथ 4 राज्य की जो सीमा होगी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान के साथ जो सीमा होगी 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश, राज्य में पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहां पर आंसर हमारा होगा सर्वाधिक राज्यों की सीमा किसके साथ, तो आंसर हमारा नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, और यहां पर एक आपको सजेशन कि आप मैप देखिए, इंडिया का मैप निकालिए, नेबरिंग कंट्रीज के साथ किसका किसका बॉर्डर लगता है, किसका ज्यादा लगता है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारत में भी किस राज्य की सीमा किस दूसरे राज्यों से लगती है, किस राज्य की सीमा अधिक से अधिक राज्यों से लगती है, और खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से क्वेश्चन हमेशा रहता है। ये जो सतवाहनी राज्य है, 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो है उससे क्वेश्चन हमेशा हमारा रहता है। वो देखोगे, ऐसे पूरा देखना है लेकिन वहां से क्वेश्चन की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा किस देश के साथ लगती है, इसमें हमारा आंसर नेपाल हुआ। नेपाल की सीमा 5 राज्यों के साथ लगेगी, और 5 राज्यों में नाम अभी बताया गया कि उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। इसी तरह से अन्य का भी नाम हमने बताया है, और एक बार आप पॉलिटिकल मैप उठा करके भारत का उसको देखिए, फिर आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा और इससे क्वेश्चन की संभावना हमेशा बनी रहती है। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस भाषा में लिखी है। तो गांधी जी की ये पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो वो भाषा गुजराती, गांधी जी गुजरात के ही थे और उनकी मूल भाषा भी गुजराती। तो गांधी जी की ये पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस भाषा में लिखी गई है, तो वह आंसर आपका होगा गुजराती भाषा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खास स्थान है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है ये 1922 में इसकी खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो से जो फाइंडिंग्स मिले हैं, जो भी साक्ष्य या जो भी अवशेष वहां से मिला है, जो फाइंडिंग्स जो हमें वहां से प्राप्त हुआ है, उसमें खास करके दो जो इमारत है, जो दो कंस्ट्रक्शन का जो अवशेष मिला है, वो स्नानागार, बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी। तो उसमें दोनों इस इमारत में किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, कौन ज्यादा बड़ा है? तो अन्नागार का। तो यहां पर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कहां है, कौन सी है? वो अन्नागार। मोहनजोदड़ो कहां है? अभी पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी पर है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पे है या किनारे पर है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो वो अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, यहां पर याद रखोगे बृहद अन्नागार, बृहद अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार है बृहद अन्नागार। उसी तरह से मोहनजोदड़ो से जो मिला है आपका बृहद स्नानागार, इसके साथ भी नाम बृहद लगा रहता है, बृहद स्नानागार, ग्रेट बात। और हड़प्पा से भी अन्नागार मिला है और हड़प्पा के जो अन्नागार हैं वो पंक्तियों में 6-6-12 छोटे छोटे अन्न कोठार के रूप में एनसीईआरटी लिखा है और दो पंक्तियों में 6-6 अन्न कोठार है। और एक बात यह है कि इन बारहों का क्षेत्रफल का जो सम है, क्षेत्रफल का जो योग्य है, कहां का? ये हड़प्पा का मैं बता रहा हूं, हड़प्पा स्थल का। हड़प्पा स्थल से छोटे छोटे अन्न कोठार के साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार का साक्ष्य मिला है। एक दोनों में सिमिलैरिटी यह दिखती है कि इन सभी छोटे अन्नागारों के क्षेत्रफल का अगर योग किया जाता है तो वो लगभग मोहनजोदड़ो के बृहद अन्नागार के क्षेत्रफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। आंसर हमारा बी हुआ। सारनाथ के सिंह स्तंभ के नीचे कौन सी चार पशु दिखाया गया है? सारनाथ कहां? वाराणसी के बगल में सारनाथ है। यह बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही अपने पूर्व के 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहां है? वाराणसी के बगल में है। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। और बुद्ध के प्रथम उपदेश के उस घटना को, प्रथम उपदेश देने की उस घटना को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश देने के घटना को इतिहास में या बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पर? सारनाथ में। सारनाथ कहां है? वाराणसी के बगल में। तो सारनाथ में जो सिंह स्तंभ बनवाया वो किसके द्वारा बनवाया गया? सारनाथ बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल के रूप में हुआ। बुद्ध के जीवन से संबंधित एक प्रमुख स्थल में सारनाथ आता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ और बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शासकों में सबसे ऊपर नाम आता है अशोक का, और अशोक ने वहां पर सिंह स्तंभ बनवाया। और उस सिंह स्तंभ के नीचे कौन से चार पशु दिखाए गए हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है। सारनाथ के सिंह स्तंभ जो अशोक द्वारा स्थापित है, उसके नीचे, उसके बेस में चार पशु दिखाया गया है, उसमें चार पशु कौन कौन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। और उसमें घोड़ा, बैल, सिंह और हाथी है, इसलिए आंसर हमारा सी होगा और छठा का आंसर हम लोगों का सी डिसाइड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। उ
उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? क्वेश्चन हम लोग का है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? उपराष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते। संसद के दो सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा, उपराष्ट्रपति इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही स्वतः राज्यसभा का सभापति होगा। और ये बात जो है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये भारतीय संविधान के दो अनुच्छेदों में दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूं भारतीय संविधान के दो आर्टिकल में ये लिखा गया है सीधा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक आर्टिकल 64 और एक आर्टिकल 89। आर्टिकल 64 जो है, आर्टिकल 64 जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, और आर्टिकल 89 जो है वो राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद है। इन दोनों अनुच्छेदों में ये लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। यहां हमारा क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है, तो किसी का नहीं, तो आंसर हम लोग का होगा डी, किसी का नहीं। इसके बाद हमने ये बताया कि उपराष्ट्रपति किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का जो उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन या द्वितीय सदन राज्यसभा कहा जाता है, उसका सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक चीज है। यानी ऐसा जैसे आप पढ़ाई किए हो क्लास में, तो हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि किसी क्लास का ऐसा मॉनिटर जो उस क्लास का स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। किसी आपने किसी भी ऐसा क्लास में नहीं पढ़ा होगा स्कूल में कि आपके आपका मॉनिटर आपके क्लास का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किन अनुच्छेदों में दिया गया है या कहां दिया गया है संविधान में, ऐसा अगर पूछेगा तो आर्टिकल 64 में भी और आर्टिकल 89 में भी। और ऑप्शन ए में दे दिया, बी में दे दिया, सी में दे दिया, ए प्लस बी और डी में दे दिया, नन ऑफ दीज या कुछ भी, तो आपका आंसर ये होगा। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में भी है और अनुच्छेद 89 में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 भी हम लोग का जीके का ही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये बस इसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हाल ही में किसे बस 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, लेकिन 19 में दिया गया है, लेकिन 2018 का ही बोला जाएगा। 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आंसर होगा ओल्गा टोकारजुक को, ओल्गा टोकारजुक को। जबकि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2018 के ये हो गए। 2019 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो पीटर हैंडके को है, पीटर हैंडके को दिया गया है, हैंडके को। 2020 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो लुइस ग्लुक को है, लुइस
ग्लुक को, अब मैगजीन में भी देख लोगे, लुइस ग्लुक को दिया गया है। तो हाल ही में बस 2018 का, हाल ही में नहीं है क्वेश्चन, पहले का फ्रेम, हाल ही में 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसका होगा, तो ओल्गा टोकारजुक को। 2019 का, चूंकि अब रिसेंट पीटर हैंडके को, लेकिन ये दिया गया था 2019 में और इसलिए हाल ही में लिखा गया, और 2020 का लुइस ग्लुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। हमारा आंसर यहां ओल्गा टोकारजुक हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। कौन सही सुमेलित नहीं है, राज्य और त्योहार। राज्य और त्योहार यहां थोड़ा सा टाइटल उल्टा हो गया है, इसको आप ऐसे देखेंगे, यहां त्योहार, यहां पर त्योहार होगा नहीं, और ये राज्य। चलिए ठीक है, त्योहार और राज्य, इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो बिहू असम एकदम सही है, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। यहां पर देखोगे ओणम आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ओणम आंध्र प्रदेश, ओणम आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, यहीं पर हम लोग का ये गलत है। पोंगल तो एकदम सही है, वैसाखी भी सही है, ओणम जो है वो आंध्र प्रदेश का नहीं, केरल का है, केरल का है ओणम, केरल का है। लेकिन हमें क्या खोजना है, सुमेलित नहीं है तो आंसर तो हमारा बी ही होगा ना, ओणम केरल का है, इसलिए ओणम आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर हम लोगों का बी हुआ, आंसर बी हुआ। और देख लेना, बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, सब सही है, ओणम आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ओणम केरल का त्योहार है, ओणम केरल का त्योहार है, तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्न में कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। हिंडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड एकदम सही है, ये सही है, मैग्नॉट रेखा फ्रांस जर्मनी सही है, डूरल भारत अफगानिस्तान सही है, अल्पाइन रेखा फ्रांस और इटली, ये कोई ऐसा रेखा भी नहीं है, और फ्रांस और इटली का सीमा लगता है लेकिन ऐसा कोई निर्धारित रेखा का नाम वहां पर नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये हम लोगों का साइंस का क्वेश्चन है, साइंस वाले सर इसको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन होगा 21 नंबर पे आएगा, इसके बाद क्वेश्चन होगा 21 नंबर का। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना है, तो वो चिनाब नदी पर बना है। सबसे ऊंचा रेल पुल किस पे बना है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना है, तो वो चिनाब नदी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहां पर मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में यह मिलता है, उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम
गलियारा निम्न में कहां मिलता है, तो झांसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ये पूछ रहा है कि राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 500। सबसे अधिक कहां है? 500 नहीं है, लेकिन सबसे अधिक विधानसभा में सदस्य संख्या कहां है? तो उत्तर प्रदेश में। और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। तो विधानसभा में, विधान राज्य, विधानसभा राज्य में होता है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, जो क्वेश्चन ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये 500। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूनतम क्या है, न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम 60, न्यूनतम 60। किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होगा और 500 से अधिक नहीं रखा जा सकता है। ये 60 का लेकिन एक्सेप्शन है, 500 का एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि किसी विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या निर्धारित है, किसी विधानसभा के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या क्या निर्धारित है, तो आप 60 बताओगे, अधिकतम क्या हो सकता है, तो 500 बताओगे, ठीक है। लेकिन 60 का एक्सेप्शन है, वो आप फिर देखोगे कहां कहां एक्सेप्शन है। तो यहां क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500। न्यूनतम का अगर बोलेगा तो 60, लेकिन 60 का एक्सेप्शन भी उपलब्ध है, यानी 60 से कम सदस्य संख्या वाला भी विधानसभा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि न्यूनतम कितना निर्धारित है, तो आप 60 बोलोगे। उसी तरह से राज्य में विधान परिषद भी, कुछ राज्यों में विधान परिषद, कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो द्विसदनीय विधानमंडल जहां है, वहां उच्च सदन या द्वितीय सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। तो किसी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी? संबंधित राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई। किसी राज्य के विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। और न्यूनतम विधान परिषद में न्यूनतम क्या है? 40। विधान परिषद में न्यूनतम क्या है? 40। फिर से आप ध्यान दोगे, विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगा, तो उस राज्य के विधानसभा, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या जो निर्धारित है, कुल सदस्य संख्या अवेलेबल नहीं, जो निर्धारित है, उसका एक तिहाई, उसका एक तिहाई। अगर किसी राज्य के विधानसभा में 300 कुल सदस्य संख्या 300 निर्धारित है, तो वहां अगर विधान परिषद है, तो वहां 100 से ज्यादा सीट नहीं विधान परिषद में रखा जा सकता है। और न्यूनतम की बात अगर विधान परिषद में आएगा, मिनिमम सीट का आएगा अगर बात, तो कितना कहोगे? 40। और यही बात है कि किसी, जिस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या 120 से कम होगी, वहां विधान परिषद का सृजन संभव नहीं है। यह भी क्वेश्चन आता है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन संभव कब होगा? जब उस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। 120 से कम अगर विधानसभा में सदस्य संख्या होगा, तो उसका 1/3 40 से कम हो जाएगा और विधान परिषद में 40 से कम नहीं रखा जा सकता है। तो किसी राज्य के विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 या एक तिहाई, और न्यूनतम 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? फिर ये साइंस का आपका क्वेश्चन है, फिर हम लोगों का 21, 22, 23 नंबर क्वेश्चन देखें। विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य संख्या हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका 27 नंबर पर मिलेगा। किस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है? हिमाद्री, बृहद हिमालय को, या महान हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को, या बृहद हिमालय को, या महान हिमालय को, या इसको सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं। तो हिमाद्री, हिमालय का तीन जो श्रेणियां हैं, तो ये हिमाद्री हुआ, इसको हिमाद्री कहते हैं, इसको महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, इसको मध्य हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, इसको लघु हिमालय भी कहेंगे, लेसर हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय, इसे बाह्य हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय, बाह्य हिमालय, और इसको, इसका एक स्पेसिफिक है शिवालिक भी इसको कहते हैं, शिवालिक हिमालय। और प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री कहते हैं, हिमाद्री की तरह ही उसके नाम, तो इसको सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री कहते हैं। तो किस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री नाम से जाना जाता है? तो ग्रेटर हिमालय को, महान हिमालय को, बृहद हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति का गठन बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद की जाती है? प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ये तीनों समितियां जो है अस्थाई समिति, यानी इनका गठन होता है। तदर्थ समिति का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से उसका गठन करना, तदर्थ समिति यानी जरूरत, वो अस्थाई समिति नहीं, ये तीन समितियां अस्थाई समिति है, जिसमें लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति ये संयुक्त समिति में आ गई, यानी उसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं। यहां पर क्वेश्चन है किस समिति, क्यों भाई, किस समिति का गठन बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद की जाती है? बजट प्रस्तुत करने के बाद, तो वो है प्राकलन समिति। वो क्या होगा? प्राकलन समिति का गठन बजट प्रस्तुत करने के बाद किया जाता है, प्राकलन समिति, जिसको एस्टिमेटिंग कमेटी कहते हैं। तो एस्टिमेट कमेटी कहते हैं, प्राकलन समिति ये एस्टिमेट करता है कि बजट में जिस जिस चीज के खर्च के लिए कहा गया है वो सही है नहीं है, इससे कम में हो सकता है खर्च, वो काम कम में हो सकता है, तो उसका एस्टिमेशन, तो प्राकलन समिति। किस समिति का गठन बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जाता है? तो प्राकलन समिति। और प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य इसके होते हैं, एक साल का इसका टेन्यूअर होगा, कुल 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी, सभी सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, सभी सदस्य लोकसभा से। लोक लेखा समिति, ये सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है उसका एक तरह से ऑडिट करता है, लेकिन सुपरफिशियल ऑडिट ही, ऑडिट तो माइक्रो लेवल पर ऑडिट करने वाला कैग होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसका पूरा जो महकमा, जो उसके साथ स्टाफ हैं, अफसर्स हैं, वो बड़ा सा मतलब कि वो एक विभाग ही हो जाता है, विभाग मतलब वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके अधीन जितने कर्मचारी और ऑफिसर हैं वो काम करते हैं सूक्ष्म रूप से सरकार के सभी खर्चों का ऑडिट या अंकेक्षण करने का। लोक लेखा समिति संसद के तरफ से, विधायिका के तरफ से सरकार के द्वारा किए गए खर्चों का एक तरफ से मोटा मोटी अंकेक्षण करता है और वो फिर रिपोर्ट सदन को देता है। लोक उपक्रम समिति, गवर्नमेंट का जो कुछ भी, गवर्नमेंट के द्वारा जो एस्टैब्लिश अंडरटेकिंग्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उपक्रम है, जो सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, उसमें काम कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जो उसमें इन्वेस्ट हुआ है वो सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर रिपोर्ट देने के लिए, यानी सार्वजनिक जो संस्था है, यानी लोक उपक्रम के जो संस्था है, तो उस
के बारे में रिपोर्ट देने के लिए लोक उपक्रम समिति होता है। प्राकलन समिति बजट के बाद किस खर्च के लिए कितना गवर्नमेंट पैसा मांग रही है, वो सही है नहीं है, कम से कम कितना में किया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए प्राकलन समिति होती है। तो किस समिति का गठन बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद की जाती है, वो प्राकलन समिति है। प्राकलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राकलन समिति संसदीय समितियों में एक अस्थायी समिति है। लोक लेखा समिति भी अस्थायी समिति है। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, लेकिन उसका जो अध्यक्ष होगा हमेशा लोकसभा के सदस्यों में से ही कोई होगा। और सामान्य रूप से लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का बनाया जाता है, एक स्वस्थ परंपरा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? हमारे मौलिक अधिकारों में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें एक मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो अनुच्छेदीय विस्तार है वो अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। अब आपको ये भी याद रखना होगा 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में और उसका अनुच्छेदीय विस्तार आपका 12 से 35 होता है। और उस अनुच्छेदीय विस्तार में एक मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका अनुच्छेदीय विस्तार अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? निम्न में से किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का या तोप का प्रयोग किया गया था, यह क्वेश्चन हमारा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये तो आप जानते हैं, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। और 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यहीं से मुगल दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है और मुगल का शासन स्थापित होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर का 5वां आक्रमण था, बाबर भारत पर कुल 5 आक्रमण किया, उसके बाद लड़ाइयां भारत में लड़ी बाबर ने, जैसे खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सब बाबर का ही युद्ध है। लेकिन बाबर ये पानीपत का युद्ध जो था उसके आक्रमणों में 5 आक्रमण जो किया उसमें अंतिम आक्रमण उसका हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। और उसके बाद तो यहां पर स्थापित हो गया, यहां का शासक बन गया, दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ। तो उसके बाद जो लड़ाई हुआ वो युद्ध हो गया, लेकिन ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, जो पानीपत के मैदान में, जो हरियाणा में पानीपत के उस मैदान में 3 लड़ाइयां हुई हैं, इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है इतिहास में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध में यानी भारत में तोप का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर के द्वारा ही किया गया, और तोप और उसके तीरंदाजों के कारण ही बाबर की विजय हुई, बाबर विजयी रहा। तो बाबर के विजयी रहने में, बाबर के जीत में मुख्य रूप से जो कारक है वो तोप का प्रयोग और उसके अच्छे तीरंदाज। और एक चीज और यहां से क्वेश्चन आता है, यहां तो आंसर हम लोग का हो गया कि किस युद्ध में प्रथम बार भारत में किस युद्ध में प्रथम बार तोप का प्रयोग हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो बार बार क्वेश्चन आता है पानीपत के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तो वो आप करोगे तुगलमा युद्ध पद्धति। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तुगलमा युद्ध पद्धति। बाबर किस युद्ध पद्धति का, किस युद्ध स्ट्रेटेजी का, किस वार स्ट्रेटेजी का वो प्रयोग किया था, तुगलमा युद्ध पद्धति। अब ये तुगलमा युद्ध पद्धति क्या था, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। उसके पास जितनी भी आर्मी फ्रंट में होती थी उसको 3 भाग में वो बांटता था, 2 को सुरक्षित रखता था
और दो को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता था और एक को सीधे लड़ाता था और दो से साइड से आक्रमण करा देता था। जैसे मान लो 30 है तो 30 में 10 को सीधे लड़ने के लिए भेजता था और 10-10 को बाएं दाएं से दूर दूर से विपक्षी सेना के पर आक्रमण करने के लिए दूर से भेजता था और 10 को 1/3 को सीधे लड़ाता था। इस स्ट्रेटेजी को, इस रणनीति को तुगलम्मा प्रणाली, तुगलम्मा युद्ध प्रणाली या युद्ध पद्धति, तुगलम्मा युद्ध पद्धति कहा जाता है। ये क्वेश्चन बाबू बहुत बार पूछा है, तुगलम्मा युद्ध पद्धति किसका, तो बाबर का। उसी तरह से युद्ध पद्धति है रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह आप जानते हैं, रणजीत सिंह सिखों के जो शासक हुए पंजाब के, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के युद्ध पद्धति का एक नाम है ढाई फट की नीति। ढाई फट की नीति, ढाई फट की नीति, ये कम पूछता है लेकिन एक दो बार पूछा है, ढाई फट की नीति, ढाई फट। ये भी तुगलम्मा युद्ध पद्धति से थोड़ा सा मिलता जुलता क्योंकि बाद के हुए इससे ये थोड़ा सा। ये क्या करते थे कि बाबर जो 1/3 1/3 को आगे बढ़ाता था और बीच वाले को सीधे लड़ाता था, ये क्या करते थे, दोनों तरफ एक 1/3 1/3 को वहीं रखते थे और बीच वाले को भेजते थे, 1/3 भेजते थे कि आक्रमण करके और भागो, और जब विपक्षी सेना उसका पीछा करते हुए आएगी तब ये जो रिजर्व में दोनों तरफ 1/3 रखते उससे आक्रमण कराते थे। इसको बोलते थे, यानी छू के भागना, इसको बोलते थे ढाई फट की नीति। ये रणजीत सिंह की नीति थी। तुगलम्मा युद्ध पद्धति बाबर का हुआ और गुरिल्ला युद्ध पद्धति आप जानते हो शिवाजी का। गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति शिवाजी का। यहां क्वेश्चन है कि किस युद्ध में प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया, तो हम लोग कहेंगे क्या आंसर होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। और फिर हमने बताया बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले बाबर 4 बार आक्रमण किया था, वो सब आप रखो, याद रखोगे, वो सबसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति सप्लाई डिमांड की अपेक्षा अधिक होती, सप्लाई अधिक है डिमांड कम है, तो भाई उसका वैल्यू कम होगा। कोई कमोडिटी ही रख लो, कोई वस्तु ही समझ लो, बाजार में उसका सप्लाई ज्यादा है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, वो सस्ता हो जाएगा। उसी तरह से विश्व मार्क, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की सप्लाई जितनी है उतना उस मुद्रा का डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है यानी उस देश से दूसरे देश वाले को कुछ बहुत अधिक खरीदना नहीं है, उस देश का कुछ खास इनोवेशन या कुछ नहीं है, तो वैसे मुद्रा को जिस मुद्रा की सप्लाई से डिमांड, सप्लाई अधिक हो डिमांड कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, यानी सप्लाई अधिक है डिमांड की तुलना में, तो उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट करेंसी। और यही जान लो कि वैसी मुद्रा जिसका जितना सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड है, ज्यादा लोग अपने पास उस मुद्रा को रखना चाहेंगे। रखना क्यों चाहेंगे, जब उस देश से ज्यादा कुछ आपको लेना है तभी उसकी करेंसी के पीछे आप भागोगे। तो जिस मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो डिमांड से, सप्लाई अधिक हो डिमांड से, उसको सॉफ्ट करेंसी कहेंगे, और जिसकी सप्लाई से ज्यादा डिमांड है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। और हार्ड करेंसी जब रहेगा, ज्यादा डिमांड होगा तो उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, उसका विनिमय दर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका ज्यादा विनिमय दर हो तो वो हार्ड करेंसी भी हुआ, हॉट करेंसी भी कहा जाता है। तो जिस करेंसी की आपूर्ति मांग से अधिक हो उसको सॉफ्ट, जिसकी आपूर्ति मांग के तुलना में कम हो यानी मांग ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे हार्ड करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। देखो उद्योग व्यापार का कोई भी क्षेत्र जिसमें गवर्नमेंट का, जिसका इनिशियल कैपिटल किसका लगा, गवर्नमेंट का लगा, वो भी एक कंपनी की तरह काम कर रहा है, उसको भी एक इंडस्ट्री की तरह काम करना है, लेकिन वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आपका कोई भी आप ले लो सार्वजनिक क्षेत्र का, मुख्य रूप से आप
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो भी स्टील प्लांट है वो किसके द्वारा बना हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ, वहां पूंजी किसकी लगी, गवर्नमेंट की लगी, तो इसको लोक उपक्रम कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा किसका, पब्लिक का पैसा, तो लोक उपक्रम कहते हैं, पब्लिक इंटरप्राइज कहते हैं, या उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, और इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का है तो प्राइवेट सेक्टर हुआ। तो जब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसमें धीरे धीरे हम बिने उसका उसमें हम बाहरी पूंजी को भी इन्वेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, तो ये कदम क्या कहलाएगा, ये प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा, ये निजीकरण कहलाएगा। तो यह क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, विनिवेश कहां से, बाहर से विनिवेश, तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, निवेश बाहर से, सॉरी विनिवेश यानी उसका कुछ हिस्सा अब प्राइवेट को दिया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी बाहर यानी प्राइवेट को उसका शेयर दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, निजीकरण, उदारीकरण है, उदारीकरण दूसरा चीज हुआ, अपनी इकोनॉमी में आप उदार हो, बाहर को भी आप दूसरे देश को भी अपने यहां बना बुला रहे हो, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आप कुछ छूट दे रहे हो, तो ये हुआ उदारीकरण। और जब दूसरे देश के साथ एक देश उदारीकरण के तहत जुड़ रहा है और धीरे धीरे सभी देश का मार्केट एक साथ जुड़ रहा है, तो ये कदम होगा ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा हमारी पॉलिसी है, तेजी से इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करा रहे हैं, तो ये हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां उद्योग नहीं है वहां उद्योग लगाया जा रहा है, तो वही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्ट करने का मतलब हुआ कि अब बाहर यानी प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट को उसमें स्वीकार किया जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा, वो आंशिक भी हो सकता है, पूर्ण रूप से भी हो सकता है, पूरा अपना पब्लिक सेक्टर का कोई भी आपका जो पब्लिक सेक्टर का कोई भी इंटरप्राइज है उसको पूरे प्राइवेट के हाथ में दे दो, या फिर धीरे धीरे उसमें उसका अंश स्वीकार करते जाओ, तो ये होगा प्राइवेटाइजेशन। इस कदम को, इस स्टेप को प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। लिबरलाइजेशन, लिबरल होना इकोनॉमी में, छूट देना चाहे वो बाहरी के लिए अपने लिए, तो वो लिबरलाइजेशन यानी प्राइवेट के लिए ज्यादा छूट देना, बाहरी इन्वेस्टर्स को देना, ये आपका लिबरलाइजेशन, लिबरल होना इकोनॉमी में, लिबरल होना। वैश्विक ग्लोबलाइजेशन, दूसरे के साथ जब जुड़ रहा है, अलग अलग देशों का मार्केट जब जुड़ रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, जहां इंडस्ट्री नहीं है वहां इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। और पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट को स्वीकार करना या पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट के हाथ में देना, ये आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो आंसर हमारा इसका डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का अधिकार किसके पास है? देखिए, प्रांतीय विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो स्पेसिफिक टर्म है वो विधानमंडल, इंग्लिश हिंदी दोनों में, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए जो स्पेसिफिक टर्म है वो है हिंदी में संसद, इंग्लिश में पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो स्पेसिफिक टर्म है वो विधानमंडल, और विधानमंडल में कुछ राज्यों में विधानमंडल में तीन अंग होगा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। कुछ राज्यों में विधानमंडल का दो अंग है, विधानसभा और राज्यपाल, यानी कुछ राज्यों में विधान परिषद कुछ राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है और अधिकांश राज्यों में एक सदनीय है। यहां क्वेश्चन है, विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का अधिकार किसके पास है? तो किसी राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद सृजित करना, या किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां से विधान परिषद को एबॉलिश करना, उत्सादन करना, समाप्त करना, यह अधिकार किसको है? संसद को। तो यहां आंसर हमारा डी होगा। यहां आंसर हमारा क्या होगा? डी।
तो संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की सृजन किया जा सकता है और संसद द्वारा किसी राज्य से विधान परिषद का उत्सादन किया जा सकता है, ये आर्टिकल 169 में दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 ये प्रावधान देता है कि संसद किसी राज्य में विधान परिषद को सृजित कर सकता है और किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो वहां से उसका उत्सादन उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन संसद ऐसा करेगा कब? जब संबंधित राज्य विधानमंडल से इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा जाए तभी ऐसा संसद करेगा। संसद डायरेक्ट नहीं कर सकता है, संबंधित राज्य के विधानमंडल से ऐसा प्रस्ताव पारित होकर के आएगा तभी वो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्सादन कर सकता है। और ये प्रोविजन आर्टिकल 169 इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कलाम साहब के नाम पर यह एक पुरस्कार है, तो यह पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरदर्शन की स्थापना के हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? दूरदर्शन की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 60 वर्ष पूरे हुए हैं। दूरदर्शन की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए। दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई थी, 1959 में दूरदर्शन की स्थापना 1959 में। और इस तरह से ये आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसके द्वारा अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा के चांदीपुर में डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एक डॉक्टर कलाम द्वीप, कलाम साहब के नाम पर डॉक्टर कलाम द्वीप से हाल ही में ये परीक्षण एक अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हाल ही ये क्वेश्चन हमारा है विश्व ने इसके पहले इरेज करना है बाबू।
डीआरडीओ उड़ीसा के चांदीपुर डॉक्टर कलाम द्वीप से, डॉक्टर कलाम द्वीप से ये परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मिरेज करेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हम लोग का है। विश्व शांति, उसके पहले का भी एक क्वेश्चन है 37। हाल ही में किस राज्य ने सूचना पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने सूचना पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो राजस्थान है। राजस्थान के द्वारा सूचना पोर्टल जारी किया गया। हाल ही में किस राज्य ने सूचना पोर्टल लॉन्च किया, तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 अक्टूबर है यहां, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सबसे ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। हाल ही में सबसे ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी वो भारत की है, मिताली राज। सबसे लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी होने का श्रेय किसके नाम से है, तो मिताली राज। हाल ही में कौन सबसे ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी बनी, तो मिताली राज, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रसायन विज्ञान के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला है। 2019 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है, तो ये जॉन बी गुडेनफ, एस स्टैनली विटिंगहम और अकीरा योशिनो, यानी आंसर यहां पर ए हुआ। 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार, 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है 2019 का, तो ये ऑप्शन ए में जॉन बी गुडेनफ, एस स्टैनली विटिंगहम, अकीरा योशिनी। लेकिन 2020 का भी रसायन का पुरस्कार जो है, 2020 का भी पुरस्कार चूंकि नोबेल का आ चुका है, तो 2020 का नोबेल का रसायन का पुरस्कार मिला है इमैनुअल चार्पियर को, इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर डोडना को, जेनिफर डोडना और इमैनुअल चार्पियर, इमैनुअल चार्पियर, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर डोडना को 2020 का मिला है। जबकि जॉन बी गुडेनफ, एस स्टैनली विटिंगहम और अकीरा योशिनो को 2019 का नोबेल का रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40,
और उसके बाद जीके का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आगे नहीं आ रहा है, जीके का क्वेश्चन नहीं है। फिर से इसमें थोड़ा सा फिर से देखोगे, हाल ही में कौन सबसे ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी, तो मिताली राज। सी, विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर। हाल ही में किस राज्य ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया, तो वो है राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने जन पोर्टल जारी किया, तो वो है राजस्थान। फिर 38 को देखो, विश्व मानसिक स्वास्थ्य 10 अक्टूबर। 39 में है, हाल ही में कौन सबसे ज्यादा समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी बनी, मिताली राज। 40 में है, 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, 2019 का है, जॉन बी गुडेनफ, एस स्टैनली विटिंगम और अकीरा यसिनो को, जबकि 2020 को मिला है इमैनुअल चार्पियर को और जॉनिफर डोडना को। जॉनिफर डोडना और इमैनुअल चार्पियर को मिला है 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार। इसके साथ ही जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन इस सेट में है वो हम लोग का खत्म होता है। 40 नंबर के आगे जनरल जीके का कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी हम लोग सेट नंबर 4 के जीके के वो क्वेश्चन जो 8 सब्जेक्ट और करंट से रिलेटेड है उसको हम लोगों ने देखा, और इसमें का साइंस का क्वेश्चन फिर दूसरे सर के द्वारा, साइंस वाले सर के द्वारा डिस्कस कराया जाएगा। नेक्स्ट सेट में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।